दिस इज़ योर अज़ीनू राइज एंड वेलकम बैक टू माई नए वाला व्लॉग। बहुत अच्छा लगा मुझे कि सब ने कॉमेंट किया पिछली वीडियो में कि हमें डेली व्लॉग चाहिए। हालांकि मैं खुद अपने इन व्लॉग से ना बहुत बोर हो चुकी हूँ और आज बेचारे मुझे बार बार बोलते हैं रजिया बस इस रमज़ान एडजस्ट करो, मैं जानता हूँ तुम बोर हो रही हो। हम फोन आ गया था बीच में। अच्छा अभी मैं आपको इंट्रो में ज़्यादा बोर नहीं करती हूँ। अभी मैं क्या करने वाली हूँ ना, अभी मैं ना दोनों हाथ में चूड़ा पहनने वाली हूँ आपके कहने पर, और थोड़ा सा मेकअप भी करने वाली हूँ। अब दुल्हन बोल रही हूँ लगूंगी तो पूरी तरह से दुल्हन लगनी चाहिए ना, सिर्फ लिपस्टिक नहीं लगाऊंगी, वो मुझे आदत है करने की, तो लिपस्टिक रोजा तोड़ सकती है। तो अभी जल्दी से रेडी होते हैं, चूड़ा लगाते हैं। सूट मुझे अम्मी ने दिया है, कैसा लग रहा है ये भी बताना। अभी मैं ये वाला चूड़ा नहीं दूसरा वाला पहनूंगी अपना जो मेरा शादी का था। नहीं हो पा रहा यार, बहुत लग रही है। देखो साबुन से भी ट्राई की लगाने की, इससे भी की ट्राई नहीं हो पा रहा, बहुत लग रही है। मुझे लगा था लगा लूँगी पर नहीं हो रहा है, ऊपर से ज़्यादा लग गई, बस काफ़ी इतना सा। तो गाइस अभी हो गए मैं रेडी और है नहीं कुछ करने के लिए, तो अभी ना मैंने सोचा अपनी बाइक पे ही राउंड मार लूँ। आदमी तो मना किया है लेकिन यहीं आस पास मारूँगी राउंड, पर आपको दिखा नहीं सकती हूँ, कैमरा पकड़ने वाला कोई नहीं। अभी क्या हुआ ना, मैं बाइक नहीं चला पाई, चाबी लेकर गई और चला इसलिए नहीं बाइक क्योंकि जब भी बाइक का कवर खोलने की कोशिश की तो अब्बू का फ़ोन आ गया घर से, फिर उनके साथ बात करने में बिजी हो गई तो फिर चला नहीं पाई। और अभी हाँ हो रहा है सहरी का टाइम, तो अभी मुझे जाना होगा नीचे और अया साहब का वेट करते हैं, जब वो आते हैं फिर ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। बाकी रूम में आ गए हैं और इफ्तारी हो गई है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा हम करें क्या, क्या करें, क्या वीडियो क्या बनाएं, जो करना है वो करो, लेकिन मैं अभी पढ़ने के बाद जाऊंगा बाहर। ये खुद अपने दोस्तों के साथ रात को बाहर जाएंगे, फलाना ढिमकाना जाएंगे, मैं यहाँ पे रूम में सड़ू है पूरा दिन, घर में सड़ू उसके बाद क्या क्या कुछ कुछ लेके आऊंगा, तुम कुछ खाना बैठ रिश्वत और फिर बैठ के मैच देखना। आज ये मुझे रिश्वत देने की कोशिश हो रही है, उसके बाद मैच देखना तुम। अच्छा आज मैच भी तो है पर मेरे को मैच में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मेरे कुछ व्यूअर्स को हो सकता है। बताओ जरा मैच का क्या है, चेन्नई वर्सेस आरसीबी की मैच है धोनी वर्सेस कोहली की, तो कौन जीतेगा? हमेशा की तरह एक आदमी जीतता है, कौन धोनी वही। तो आप भी कमेंट करके बता देना की कौन, वो तब तक तो जीत ही जाएगा कोई ना कोई, क्या खा कमेंट करेंगे। और गाइस आज सोचा था आज व्लॉग डालूंगी पर नहीं हो पाया पॉसिबल, एक वाला दिन जीत जाएगा कोई ना कोई, लेकिन तुम तो ऐसे सोच लो कौन जीता, हमारे अभी से लगा लो कौन जीतेगा। मुझे नहीं पता, मैच मैंने जिंदगी में कभी देखा नहीं तो मैं कैसे बोल सकती हूँ कौन जीता। यार मुझे भी लेकर चलो बाहर, वहाँ अच्छी जगह मत है, मतलब लड़कियाँ मत होती, लड़के होते अभी लेकर चलो। नमाज पढ़ने कौन जाएगा, 15 मिनट बाकी है, मेरा व्लॉग अधूरा रह जाएगा, कल पूरा करेंगे। नहीं मैं नहीं मानूंगी, जा करेंगे। मैं सो गई थी, आयाज आ गए मार्केट लाए हुए लेग चिकन वाला, यहाँ मेरे साथ धोखा हो रहा है, मुझे उल्लू बनाया जा रहा है, यहाँ मुझे छोड़ के बाहर जा रहे हैं, फलाना ढिमकाना जा रहे हैं कहीं दोस्तों के साथ। आप कहाँ जा रहे हो, आप कहीं नहीं जाना है ठीक है। अंकित इधर बैठो, इधर खाओ पियो ऐश करो, बस बाहर नहीं जाना, मैच देख रहे हो ना यहाँ बैठ के, तो बाहर जाने की क्या जरूरत है बताओ जरा। बाहर जाना है, खाने जाना है। मैं अकेले यहाँ क्या करूँ, मैं भी आऊँ, अम्मी के साथ बैठो, मैं भी आऊँगी। वहाँ सारे लड़के लोग होते हैं, क्या होते वहाँ लड़कियों के लिए जगह मत है, तो वहाँ लड़के लोग होते, आदमियों की जगह नहीं होनी चाहिए वहाँ पे, तो वहाँ आदमी बन चुके हो अंकित, अब आदमी हो चुका है ना, शादी शुदा हो चुका है, की जगह औरतों की जगह नहीं है ठीक है। एक्सक्यूज मी, मुझे पता है वहाँ लड़कों की जगह है, अब मैं अकेले क्या करूँगी यहाँ पे, अकेले नहीं तो अम्मी लोग के साथ नहीं। अभी 12 बजे तुम वापस आओगे, 12:01 बजे है, मैच खत्म होते आ जाएगा, मैच तो देख रहे हो फोन पे जरूर। अच्छा मतलब दमन जा रहे हो, यार सच बोल, अब तो यहीं जा रहा हूँ, यहाँ पे हाईवे फलाना ढिमकाना, क्या जगह का नाम क्या है, फलाना मुझे छोड़ के यहाँ पे जा रहा है अकेले, मुझे पहले यहाँ पे डर लगता है, अगर मुझे भूत आया है यहाँ पे
मैं यहाँ नहीं आना, तुम्हें नीचे छोड़ के जाऊंगा मम्मी के पास, ठीक है? 12-1 बजे वो सारे सोए होंगे, तुम उनको डिस्टर्ब करोगे? मम्मी के साथ सोने। और कौन कौन जा रहा है? मौसी नहीं जा रहा, मत जाना। देखा मुझे तो कहीं नहीं लेकर जाता, पूरे दिन सुबह से शाम तक ये अपने बैंक होते हैं और शाम को मुझे लेकर जाना चाहिए ना। अभी भी दोस्तों के साथ जा रहे हैं, मेरे को लेकर नहीं जा रहे। दोस्तों को बिल्कुल भी शर्म नहीं है, इसको लेकर जा रहे हैं। नई नई शादी हुई है, बीवी के पास बैठने नहीं देते, बीवी को कहीं बाहर ले जाने नहीं देते। देखना देखना, मैं बोल रही हूँ आपको मत जाओ। तो आज का दिन जाने में करा जाऊंगा क्या? नहीं जा, मैं अकेले डरता हूँ यहाँ पे, मैं डरती हूँ अकेले यहाँ पे। आ जाऊँगा मैच भी देखूंगा। मैच देख रहे हो? आ जाऊँगा तुम नीचे, अम्मी के साथ बैठ के कुछ लेके आना। मैंने खाया बर्गर, अब नहीं खाना है मैंने कुछ। पहले तेरे लिए आप पता नहीं कब आओगे, फिर सारी के लिए ढूंढना होता है। ठीक है, नहीं जाता हूँ, बस नहीं जाएगा पक्का। झूठ बोल रहा है आप लोगों के सामने, झूठ बोल रहा है। कुछ भी हो जाए, जाना तो जाना है, मैं बेहोश भी हो जाऊंगी तब भी जाना है। हाय 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 हाय, अफसोस आप तो मेडल हार गए, हाय अफसोस। ये देखो चाइनीज समोसा, ये फ्रेंच किचकिची पिची, क्या है फ्रेंकी सॉस खा रहे हैं। गाइस कल मैं व्लॉग नहीं डाल पाई क्योंकि मेरे से बन नहीं पाया, मतलब आज ये बता रही थी बन नहीं पाया, और अब रोज़ों से बहुत डीप हो रहा है, मतलब अब हकत नहीं है, अब हकत सारी ख़त्म हो रही है, इम्यूनिटी भी लॉस हो रही है। वाईफाई का पासवर्ड बोलो। वाईफाई का आयाज जीना 05। ले तुम्हारे पड़ोसी में पासवर्ड पता चल गया। पहले पता चल गया था वाईफाई लग गया, अब पता चल गया पासपोर्ट या पासवर्ड। फिर मुझे नीचे कमेंट आएंगे पता नहीं क्या क्या मजबूरी है इनको, रात को 11 बजे IPL देखना है इन्होंने। आओ तुम भी देखो साथ, ये हमारी टीम है। मैंने कभी नहीं देखा आज तक मैच। आपकी वाली टीम मेरी वाली टीम, मैं समझी। 10 सेकंड के लिए फिर क्या होगा? 10 सेकंड के लिए जल्दी से मीम आएंगे, खेलना पड़ेगा क्योंकि उस एंगल से आपको लगता है कि अंदर आएगा, बढ़िया एंगल है। वो सुना भी रहना भी है, डायरेक्ट कितना भी है नहीं था यार, तो थी नहीं था। यहाँ पे मोहसिन भैया भी आ चुके हैं, देखो कैसे बैठे हुए हैं। इन्होंने ना मुझे सोने देना ना कुछ, इन्होंने बाहर जाने, और अब बाहर जाने के टाइम वो भी गया है ना। इतना मना किया इसे नहीं गया। सच में नहीं जा रहे आप? मना किया? मैंने कब मना किया? मैं तो ठहर रही हूँ, आप लोग कब जाओगे? भाई तो बोरी में डर लग रही है, ये लग रही है कल दिया था मोहसिन में। आप नहीं जा रहे आप लोग? वो देखना दूसरा कैसे आसपास की मैच देख रहे हैं। जैसे हम शादी की एल्बम आई वैसे देख रहे हमारी एल्बम कब आई, हमारी वीडियोग्राफी कब आई। पर पंखा चलता है, नीचे सोती है, सोते सोते भूख लगी। ओ भाई मूंगफली भी है, खालो बेटा मूंगफली, मूंगफली में दोनों नहीं, हम तुम्हारे मामा नहीं, मामा का बिल्ली, वहाँ से लाइक बिल्ली है, आपको बिल्लियाँ पसंद ही नहीं है। जा रहे हैं भाई, आज कैंसिल कर दिया, शुक्र है नहीं गए। पता नहीं क्यों जब से मैं आई हूँ मेरे को ना यहाँ पे डर लगता है, ऐसा लगता है कि कोई पीछा कर रहा है, कोई मेरे पास आ रहा है, यार अजीब ही डर, और पूरे पूरे सपने भूत प्रेतों के आते हैं। मतलब घर में कभी ऐसा नहीं हुआ, कभी कभी ऐसे, कभी फेयर फाइल्स देख लिया, आहट देख लिया, तब मुझे आते थे भूत छूत सपने में, लेकिन यहाँ मैं बहुत डरती हूँ। परसों क्या हुआ, मैं दिन में सोई थी तो मैं ऐसे रखती हूँ आँखों पे हाथ, मेरे को लाइट पड़ती है ना तो फिर वो नींद पड़ती नहीं अच्छे से ऐसे, तो मुझे ऐसा महसूस हुआ आयाज आए। फिर मैंने जल्दी जल्दी ऐसे देखा, कभी वो मुझे सरप्राइज़ दे देते हैं ना, आते हैं जल्दी ऑफिस से, देखा तो कोई नहीं था,
फिर दूसरी बार फिर थोड़ी नींद पड़ी, फिर देखा, फिर महसूस हो गया फिर कोई नहीं था। तो एक बार तो हद ही हो गई। मैं नीचे से आई तो मैं दरवाजे से एंटर हुई, इस दरवाजे से एंटर हुई, ये वॉशरूम का दरवाज़ा है। तो मैंने बोला अयाज साहब जल्दी करें, मैंने वजू करा था नमाज के लिए, मैं यहाँ पे आके बैठ गई, मैं कुछ करने लगी और आधा घंटा हो गया, अब मतलब लग रहा है कि कोई है वॉशरूम में। तो मैं यहाँ से आवाज़ भी दे रही हूँ, अयाज जल्दी करूँ कितना टाइम लगेगा। 2 मिनट के बाद देखती हूँ अयाज दरवाजे से आते हैं, नीचे से आ रहे हैं। फिर जो मेरे को डर लगा था ना, मैं बात किससे कर रही थी वॉशरूम में, फिर वॉशरूम में कोई था ही नहीं। तो अम्मी बोल रही थी यहाँ साइड वाला वॉशरूम है, वहाँ से आवाज़ आती होगी। लेकिन फिर भी यार कंटिन्यू इतने दिन ऐसा पता नहीं, रमज़ान चल रहे हैं इसलिए काबू में कोई जिन भूत प्रेत। तो बाकी मैं यहाँ पे डर रही थी, तो फिर इसीलिए मैं अकेले यहाँ पे नहीं सो सकती, मैं नहीं सोती यहाँ पे अकेले। अगर अयाज बाहर जाते तो मैं नीचे सो जाती उनके पास, तो अभी नहीं गए वो। बोर कर दिया ना मैंने यार, क्या करूँ, है ही नहीं घर में, कितने ही व्लॉग बनाऊँ, क्या ही दिखाऊँ आपको बार बार। पर फिर भी आप बोलते हो डेली व्लॉग डेली व्लॉग, कोशिश करूँगी डेली व्लॉग करने की। तब तो रखना पड़ेगा, कुछ मैनेज करना पड़ेगा, लेकिन आपको भी मैनेज करना पड़ेगा। व्लॉग्स जब व्लॉग देखते हो वीडियो स्किप नहीं किया करो, और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करो, ठीक है। और क्या फिर, और नाम लेने के लिए बोला था यार, कैसे लूँ नाम, बोलते हो लिखा करे, अगर मुझे पेन कॉपी नहीं, मेरे कहाँ लिखूँ, सबर करो, आराम से एक वीडियो बनाऊँगी पूरी, नाम लूँगी आपके। यार रुको अयाज का फ़ोन लेकर, अयाज का फ़ोन अभी एक यूज़र है जिनका नाम बोल रहे हैं लेने के लिए, मेहरबानी होगी प्लीज़। क्या नाम है, नीसू नाम है, थैंक यू सो मच नीसू, कीप सपोर्टिंग। फिर आती है उज्मा 578, बोल रहे थे मेरा नाम लेना, थैंक यू सो मच। और कोई लिखते हैं मुझे यार उल्टे सीधे, क्या लिखते हो भाई, आपने क्या मुस्लिम लड़के से शादी की है, मतलब जिस तरीके से इन तुम्हारा उठना बैठना, पहली रसोई दूसरी, ये पहली रसोई ये मेरा खुद का था, ये मैंने कंटेंट के लिए खुद पहली रसोई लिखा हुआ था टाइटल पे, और पहली बार खाना बनाना तो पहली रसोई बोलेंगे, और इसमें कोई गुनाह तो नहीं है पहली रसोई बनाना। ये कहाँ से आ जाते हो आप लोग यार, क्या बोलते हो, खाना बनाना सवाब है, ठीक है, खाना बनाना कोई गलत बात नहीं है। तो उसको मैंने पहली रसोई लिखा है, तो क्या गलत लिखा है, पहली तो रसोई थी। तो फिर उसके बाद बोला कि गिफ्ट दिए, तो गिफ्ट देना गुनाह है, तोहफा देना अच्छी बात है, ठीक है, ऐसा तो कुछ नहीं होता कश्मीरी मुसलमान में। ओ खुदा के बंदो, दिल साफ करो, दिल साफ रखो, नियत साफ रखो, तुम्हारी नियत और तुम्हारे दिल की जो अंदर वाली बातें वो तुम्हारी जबान दिखा देती है, मैं बता देती है। हमारे अंदर जो चल रहा होता है ना, हमारा दिल कैसा है, हमारी नियत कैसी है, वो हमारी जबान से बाहर आ ही जाता है, हमारी जबान बोल ही देती है। अच्छा बोलोगे तो अच्छा माना जाओगे, तुम्हारा दिल साफ होगा तभी तुम अच्छा बोलोगे ना, तुम्हारा दिल साफ नहीं होगा तो तुम यही फजूल चीज़ें बोलोगे। जहाँ बोलना है वहाँ तो तुम लोग बोलते नहीं हो, वहाँ तो तुम व्यूज़ दे देते हो। प्लीज़ यार कश्मीरी में एक व्लॉग चाहिए, ज़रूर ज़रूर इस बनाओ कश्मीरी मंज व्लॉग, मगर ज़रा टाइम लेग केस के मैं तगन प्रॉपर कश्मीरी की ही ना, मैक्सिमम लोग चवनान के चकर कौशर तुम चना असन मत तगन कौशर करें, तो तुम च असन में कौशर पेट में कौश। अरे आप लोग तो बोल रहे हो नाम लो, लेकिन आपकी आइडिया ही कुछ पता नहीं क्या, यूज़र 0F3PPTT पिछले नाम लिखो अपना सीधा, जो अच्छा खासा नाम है, ठीक है। माई वॉइस सुमा बोल रहे हैं आपके ब्लॉग शॉर्ट होते हैं, थोड़ा लंबा बनाओ और मेरा नाम लेना सुमया। एक्चुअली घर बैठे बैठे मुझे भी समझ नहीं आती मैं क्या व्लॉग बनाऊँ, मेरा कंटेंट कुछ और था, मैं कर कुछ और रही हूँ, मेरा बाइक का कंटेंट था, मोटर व्लॉगिंग भी मैं क्या कर रही हूँ, मैं मोटर व्लॉगर से फैमिली व्लॉगर कब बन गई, मुझे ये समझ नहीं आ रहा, मैं शादीशुदा हो गई हूँ मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, मेरी ज़िंदगी चल कैसे रही है, एक्सप्रेस ट्रेन चल रही है, चेन्नई एक्सप्रेस की ट्रेन नहीं थी बिल्कुल वैसे ही मेरी ज़िंदगी चल रही है, थम भी दिन ये टाइम वक्त थमता नहीं है, सही बात कही है किसी ने कि वक्त नहीं रुकता भाई, वक्त नहीं रुकता किसी के लिए, ये बहुत सही है। शाइस्ता
डेली देख, मेरा 4 साल का लड़का है ये लिख रही है, और जब भी मेरा ब्लॉग आता है तो वो इनका जो बेबी है वो बोलता है मामा जीनू राइड आ गई। यार वेजिटेबल नहीं है वेजिटेबल, एक्चुअली वो जब मैं लिखती हूँ ना तो वो हो जाता है, क्या बोलते हैं उसको, और एक तो मैं भुलक्कड़ बहुत हूँ। आपको पता है मैंने क्या कांड किया, मैंने इन जो घर से मैरिज सर्टिफिकेट मिला था वो वाला नहीं जो अबू बना रहे, एक जो इस्लाम वाला होता है शायद, जो निका नाम निका होता है, अम्मी ने वो 2-4 दिन पहले मेरे पास दिया था, मैंने अयाज के कबर्ड में रखा, उन्होंने कहा मैं शाम को ले लूँगी, मैंने भी अखबार के अंदर रखा था वो, तो अखबार के अंदर ही अम्मी ने दिया था, मैंने कबर्ड में रख दिया। तो क्या हो गया कि मुझे याद ही नहीं रहा, अम्मी को भी याद नहीं रहा इतने सारे काम में, तो मैं सफाई कर रही थी इस रूम की, मतलब कचरा वचरा निकाल रही थी, वो मैंने अयाज के कबर्ड से अखबार निकाल के, मैंने सोचा भी अखबार यहाँ क्या कर रही, क्यों हो सकती है, रखूँ नहीं रखूँ, उठा के कचरे के डब्बे में डाल दी, और उसमें मेरा मैरिज सर्टिफिकेट चला गया। यार एक चीज़ वो बहुत अनमोल चीज़ थी, मैं वो नहीं संभाल पाई बिल्कुल, समझो वो सोना था यार, सोचो ना मैंने अपनी शादी का मैरिज सर्टिफिकेट जो था वो कचरे में डाल दिया। और शुक्र है मेरे घर वालों के पास एक है वो ओरिजिनल, लेकिन एक अबू जी के पास था इधर, एक मेरे अबू जी के पास था उधर, उनके पास है यहाँ से मैंने फेंक दिया। यार पूरी रात टेंशन हो गई, मैंने पूरा कबर ढूंढा, मुझे याद है कि मैंने वो डस्टबिन में फेंक दिया, मैं एक चीज़ नहीं संभाल पाई यार, मुझे पूरी रात नींद नहीं आई कि उसको लेकर, मुझे अभी याद आया मेरे दिमाग में फिर से घूमेगा यार। ठीक है गाइस, अल्लाह हाफिज़।